पुलिस लाइन मैदान स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुख्यालय डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बोरियो थाना क्षेत्र की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी का सरगना रोहित मुर्मू पिता बड़का मुर्मू साकिन फुलबंगा अपने अन्य साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। ऐसी सूचना मिलने पर बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान एवं बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार ने सशस्त्र बलों के साथ मिलकर बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपर टोला अप्रोल गांव में स्थित जंगल में छापेमारी की। इस छापेमारी के क्रम में पुलिस की टीम ने दो लोगों रोहित मुर्मू एवं संजू बास्की को तीन देशी राइफल व एक देशी कट्टा के साथ पकड़ लिया। बाकी पांच से छह लोग पहाड़ जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जहां दोनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी जगन्नाथ पान को गुप्त सूचना मिली कि नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी के सरगना रोहित मुर्मू अपने साथियों के साथ पीपर टोला के जंगल में छुपा हुआ है। ऐसी सूचना पाकर ये बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार एवं अन्य सशस्त्र बल के साथ बताया गुप्त सूचना के आधार पर आए जगह की इनके द्वारा तलाशी एवं छापेमारी की गई, जहां पांच छह आदमी भागते हुए दिखाई पड़े, जिसमें दो आदमी को इनके द्वारा सशस्त्र बल के सहयोग से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से ये नजायज देसी राइफल एवं कट्टा उनके पास से बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों में एक का नाम रोहित मुर्मू और दूसरे का नाम संजू बास्की है। इसमें जो है रोहित के विरुद्ध पहले यहाँ साहिबगंज जिला और अन्य थानों में बहुत से प्राथमिकी दर्ज है, इनका आपराधिक इतिहास है और ये लोग यदि पकड़े नहीं जाते तो किसी बड़ी घटना का अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बल ने बहादुरी के साथ इन्हें गिरफ्तार किया, जिसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। इन्हें उचित पुरस्कार से सम्मानित करने की अनुशंसा की जाती है। सर, ये पूर्व में भी फिर से ये जेल से एक साल महीना पहले छूटा, चार महीने पहले छूटा है जेल से।